हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज बात करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ स्टार्ट, सेल्स बुक। लेकिन उससे पहले एक चर्चा करनी है मुझे हल्की सी। बेटा वो चर्चा ख़त्म करके सेल्स बुक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि फॉर्मेट किस चीज़ का बना रहा हूँ। सेल बुक और परचेज बुक के फॉर्मेट में ज़रा सा भी अंतर नहीं। अगेन बेटा वो 10 कॉलम मुझे बनाने हैं, आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मैं जब 3 कॉलम बनाता था यहाँ पर इधर, बेटा सेल्स का इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST का, वो मैं परचेज की जगह लिखूंगा सेल, इनपुट्स की जगह लिखूंगा आउटपुट, टोटल कॉलम एज इट इज और बाकी सारे कॉलम एज इट इज, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF डिटेल्स, ये सब एज इट इज। परचेज की जगह सेल, इनपुट्स की जगह आउटपुट्स और बेटा टोटल का कॉलम एज इट इज, ठीक है बेटा। आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे बेटा और फिर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, गप्पे मारने वाले बच्चे जो हो जाए, मैंने ना अभी परचेज बुक पे ही हल्की सी चर्चा करनी है, इसी वजह से मैंने, आप अपना बेटा आउटपुट सेल्स वही सब कॉलम बनाओ जैसे मैंने आपको कहे हैं, मुझे हल्की सी चर्चा एक करनी है परचेज बुक पर। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, मेरी तरफ देखना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट किया होगा, मैं एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके बताना चाहता हूँ उसमें, और एक और फाइनल चर्चा परचेज बुक पे करना चाहता हूँ, फिर सेल्स बुक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एंट्री की, जो ट्रांजैक्शन हुई है बेटा April 25, 2018। कहते हैं परचेज फ्रॉम हरि ओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर 390, 100 मीटर वुलन क्लोथ्स एट द रेट 600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 15%, फ्रेट चार्जेस पेबल 3000। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है बेटा। लो बाबू एक बार इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ बेटा, जिस फर्म की बुक में आप परचेज बुक बना रहे हो वो बेटा किस स्टेट की रेजिडेंट है? दिल्ली की। तो बेटा अगर हम सामान गुजरात में से खरीद रहे हैं तो हम बेटा टैक्स कौन सा दे के आए होंगे, CGST, SGST या IGST? IGST। तो बेटा रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 2018 April 25, फर्म नेम है बेटा हरि ओम एंड सन्स, ठीक है। आप लिखना चाहो तो बेटा गुजरात भी लिख सकते हो। इनवॉइस नंबर है बेटा 390। आपने परचेज किया है बेटा 100 मीटर क्लोथ एट द रेट 600 पर मीटर, यानी कि 60,000 के गुड्स आपने परचेज करे बेटा। ट्रेड डिस्काउंट है 15%, 15% ऑफ 60,000, 9,000, 51,000 प्लस IGST चार्ज करना है आपने 5%, यानी कि बेटा 50-50, 53550। परचेज में लिखूंगा 51,000, IGST में लिखूंगा बेटा 2550 और 53550। बेटा मैंने फ्रेट क्यों नहीं जोड़ी? सर परचेज बुक बना रहे हो? नहीं नहीं, कैश बुक का मुद्दा नहीं है। देखो एक बात बता देता हूँ, देखो आराम से रीड करना क्या लिखा है, फ्रेट चार्जेस पेबल, पेबल मतलब अभी पे करने बाकी हैं, पे नहीं हुए। ये मुद्दा नहीं है ये कैश बुक में आ गया होगा कि नहीं आया होगा बेटा, ठीक है ना। आया नहीं होगा, चलो मैं ये भी बता रहा हूं क्योंकि वर्ड पेबल लिखा है। अगर लिख देता फ्रेट चार्जेस पेड, पेड मतलब पास्ट टेंस यानी कि पे कर दिया, ठीक है ना, तो कैश बुक में आ गया होता तो रिकॉर्ड ना करता। यहां बेटा पे हुआ भी नहीं तब भी नहीं रिकॉर्ड कर रहा, क्यों? क्योंकि बेटा परचेज बुक है,
और एक बात समझ लो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहां सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा बेटा, भूल जाओ कोई खर्चा रिकॉर्ड होगा बेटा, चाहे वो परचेज से रिलेटेड खर्चा है। अच्छा तो होगा क्या बेटा इसका? इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर। अच्छा एंट्री करूंगा क्या? आप मेरे को ये बताओ एंट्री क्या करूं? सारे खर्चे डेबिट होते हैं, क्या करूं? फ्रेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और इनपुट आईजीएसटी डेबिट। जब भी खर्चे आते हैं बेटा अपने साथ टैक्सेस लेकर आते हैं बेटा, तो मैंने टैक्सेस भी पे करे होंगे। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बोलो टू हरिओम एंड सन्स। बेटा उसने बोला खर्चा पेबल है, और बेटा ये सब किसके खाते में लिखा हुआ है? हरिओम एंड सन्स के खाते में लिखा हुआ है, यानी कि मेरे बिहाफ पर उन्होंने पे कर दिया होगा बेटा। मैंने उनको क्रेडिटर बना दिया कि आपको मैं फ्रेट का खर्चा दे दूंगा, एक बार आप मेरे बिहाफ पर पे कर दो, यही हुआ होगा ना बेटा। जब मैं देखो समझने की कोशिश करो क्या हुआ है, गुजरात से सामान आया बेटा, जब उन्होंने रेलवे पे बुकिंग कराई होगी ना सामान की, तो रेलवे का किराया भाड़ा उन्होंने ही दे दिया होगा। और मैंने क्या करा है बेटा, मैंने उन्हें बताया कि ठीक है मैंने आपसे गुड्स परचेज करे हैं, 51,000 की परचेज की वर्थ है, टैक्सेस ये तो मैंने देने ही देने हैं, मैं फ्रेट का भी पैसा आपको दे दूंगा वापस। तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूं बेटा, फ्रेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू हरिओम एंड सन्स, क्रेडिटर बना रहा हूं उनको कि आपको पे करूंगा फ्रेट का पैसा भी। बात क्लियर? ठीक है, इलस्ट्रेशन टू ओके बेटा। इलस्ट्रेशन टू परचेज बुक यहाँ पर फिनिश हो जाती है। मैं बात करना चाह रहा हूँ अब सेल्स बुक की बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। बेटा फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बदला, सामने देखना मेरी तरफ, जितने मैंने आपको चेंजेस बताए थे मैं सर वही चेंजेस कर रहा हूँ, और आपने बेटा सेल बुक का ही फॉर्मेट बनाया है, ठीक है ना बेटा। सेल्स आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। अच्छा एक बात और पूछूं बेटा, टेस्ट में आपका मोरल डाउन तो नहीं हो जाता अभी? देखो मैं ना हमेशा टेस्ट वो देना चाहता हूं जो मैंने कराया नहीं, ताकि कुछ सीखने को मिले। बेटा मेरे को पता है कब आपका मोरल बूस्ट अप करना है, कब डाउन करना है, ठीक है ना। अभी सही टाइम है बेटा आपका मोरल जितना बूस्ट अप कर सकता हूं, डाउन कर सकता हूं उतना कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ताकि आप और नॉलेज एडिशन की तरफ भागो और बेटा अकाउंट्स पढ़ने की तरफ भागो। जब बेटा करना होगा ना मोरल बूस्ट अप हवेली से पहले, तो मैं बेटा बहुत आसान आसान क्वेश्चन देके मुझे पता है कैसे मोरल बूस्ट अप करना है, ठीक है। अभी घबराना मत बेटा, आपको किसी से कम नॉलेज नहीं है बेटा। अगर आप अपने दोस्तों को चैलेंज के साथ ये क्वेश्चन फेंक के मारो ना, मेरे से भी लिखवा लेना, शुरुआत भी सही नहीं कर सकता कोई कहीं पढ़ता हो बेटा। आप किसी से कम नहीं हो इस चीज में, घबराना मत बेटा कभी भी, ठीक है जी, टेंशन मत लेना। चलो खैर, लो प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले रीडिंग करेंगे, मैं एक मिनट जरा फॉर्मेट को बिल्कुल क्लीन कर लूं। सेल बुक की बात करने जा रहा हूं, लो बच्चों बेटा सेल बुक में रिकॉर्ड क्या होता है सामने देखना मेरी तरफ, सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? सेल ऑफ क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स नहीं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, कहां रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर। कैश सेल्स ऑफ एसेट, संभाल लोगे ना। एक बात और बताओ, जब मैं परचेज बुक बनाता हूं, मान लो बेटा मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन दी गई है, मैंने तीनों रिकॉर्ड करी, मैं नीचे लिखता हूं टोटल, लिखता हूं ना नीचे टोटल, परचेज का टोटल, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टोटल करके लिखता हूँ ना बेटा। अच्छा ये जो परचेज का टोटल लिखा हुआ है मैंने, ये कहाँ जाएगा? मैं अगर बोलूँ ये मैंने परचेज का टोटल लिखा, थोड़ी देर बाद सेल का टोटल लिखूंगा, ये कहाँ जाएगा? सुनना, मैंने बेटा एक बात बोली थी जिस दिन कैश बुक की शुरुआत की थी, कि कैश बुक जो है वो अपने आप में सब्स्टिट्यूट है दोनों चीज़ों का, जर्नल का भी और लेजर का। जब आप कैश बुक बनाते हो ना, उसके बाद ना तो आपको कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्री करने की जरूरत, और ना ही बेटा कैश से रिलेटेड कोई कैश अकाउंट बनाने की जरूरत। कैश बुक का जो बैलेंस आया ना बेटा, बाय बैलेंस CD, आप क्या करो बेटा सीधा इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करो डेबिट साइड। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, सीधा ट्रायल बैलेंस में, यही बात यहां बोल रहा हूं।
जब आपने टोटल करा ना बेटा, जो परचेज लिखी, परचेज हमेशा डेबिट होती है ना बेटा, सीधा लिखो परचेज अकाउंट डेबिट सीधा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनाते थे याद है बेटा, ठीक है ना, याद है क्लियर का रूल याद है, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट होती है बेटा, सारे एक्सपेंसेस सारी एसेट्स डेबिट होती है, कैश डेबिट होता है ना, कैश अकाउंट बनाया ना, सॉरी कैश बुक बनाई ना, जो बैलेंस आया सीधा कैश अकाउंट डेबिट, सीधा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट सीधा ट्रायल बैलेंस में। कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, सेम बात यहां बोल रहा हूं बेटा। अगर मैं यहां पर सेल्स का टोटल करूंगा क्या करूं, इसका जर्नल एंट्री का भी सब्स्टिट्यूट है बेटा और ये लेजर का भी सब्स्टिट्यूट है, सीधा लेकर जाओ बेटा इसको ट्रायल बैलेंस में। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट में चिपका दो, ओके है ना बात, बढ़े आगे चलो। लो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन रीड करेंगे बड़ी तसल्ली के साथ। प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। बेटा नाम फर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवकेतन फर्नीचर हाउस, यानी कि बेटा इस पूरे क्वेश्चन में जब भी फर्नीचर की बात होगी वो मेरे लिए गुड्स है ना कि एसेट, क्लियर है ना बात। और ये बेटा फर्म है लुधियाना की, पंजाब की, एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी एट द रेट 6%, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो जी, मे वन सोल्ड गुड्स टू फाइव स्टार फर्नीचर अकाउंट, मेरे मुंह से फाइव स्टार प्रीमियम निकलने वाला था, इतनी मिठाई की गंदी आदत डाल दी इसने। सोल्ड गुड्स टू फाइव स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट परचेज है और बेटा पंजाब में, सॉरी क्रेडिट सेल है और वो भी बेटा पंजाब की, पंजाब में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, रिकॉर्ड कर देंगे। मे 15 सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, अगेन पंजाब बेटा, ठीक है ना बाबू, सीजीएसटी एसजीएसटी रिकॉर्ड कर देंगे। मे 20 सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, आईजीएसटी लगाएंगे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ठीक है ना, जब तक कैश नहीं है तब तक रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। आगे बढ़ो जी, मे 25 सोल्ड गुड्स टू मून लाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कैश है ना बेटा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ो बेटा, मे 28 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, टू ओल्ड मशीनरी, मशीनरी बेची है कंप्यूटर बेचा है बेटा, इट इज एसेट फॉर द बिजनेस। जब तक मैं फर्नीचर बेच रहा था फर्नीचर मेरे लिए गुड्स था, मैंने मशीनरी और कंप्यूटर उठाकर बेच दिया तो मैंने एसेट बेच दी, एसेट की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगी बेटा। और क्योंकि आपने उधार पर बेची है तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी जब होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, करें रिकॉर्ड। यानी कि मुझे तीन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप मैनेज करना मेरे साथ साथ, ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता बेटा मैच कर लेना, मैं एक बार आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, फटाफट से सॉल्यूशन को नोट डाउन करो आप। बेटा नोट डाउन कर लिया आपने इतना, अब बात सुनना। मेरे हिसाब से तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मुझे बस हल्की हल्की सी दो तीन बातें आपके साथ करनी है। आप पहले मेरी तरफ देखेंगे ताकि रटना ना पड़े हमारे को। सामने देखना बेटा, मैंने परचेज बुक और सेल बुक का फॉर्मेट बताया, बिल्कुल बराबर है बेटा, बस इनपुट आउटपुट का डिफरेंस आता है। अब समझदार बच्चों एक बात और सुन लो, मैं बात कर रहा हूँ परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट की। मैं बेटा जब अपना खरीदा हुआ गुड्स वापसी भेजता हूँ अपने सप्लायर को, ठीक है, मेरे को बस ये बताने कि क्या क्या कॉलम होने चाहिए। एक चीज़ जो आपको नहीं पता होगी वो मैं बता देता हूँ, फिर डिस्कशन भी करूँगा उसके ऊपर। बेटा जब गुड्स वापस जाते हैं ना तो किसी इनवॉइस पे नहीं जाते। देखो बेटा, मैंने जब गुड्स खरीदा, किसी से भी खरीदा, मोहन बुक डिपो कल मैं बात कर रहा था, उसने बेटा मुझे इनवॉइस काट के दिया होगा, तो किसी इनवॉइस नंबर के थ्रू ही मेरे पास गुड्स आया। जब मैंने बेचा तो मैंने भी बिल काट के बेचा, तो मैंने बेटा इनवॉइस नंबर लिखा, किसी इनवॉइस नंबर के तहत गुड्स बेचा। लेकिन बेटा जब मैं गुड्स वापस करता हूँ तो बिल नहीं काटता उसके लिए, ये कोई मैं गुड्स बेच नहीं रहा हूँ बेटा। जब मैं गुड्स वापस करता हूँ बेटा तो एक नोट लिखकर भेजता हूँ जिसे हम बोलते हैं डेबिट नोट, और यहाँ पर लिखूंगा डेबिट नोट नंबर। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या चीज है। डेट का कॉलम सेम, पर्टिकुलर सेम, इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, नाम आएगा डेबिट नोट नंबर, LF सेम, डिटेल सेम। समझदार बच्चे, सेल की जगह क्या करूँ, सेल्स की जगह परचेज रिटर्न। मैं तो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट बता रहा हूँ, परचेज रिटर्न, बाकी सेम। हाँ हाँ बोलो बोलो, ये यही तो बात बुलवानी है। क्या लिखना चाहिए, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, क्योंकि बेटा जब आप गुड्स वापस भेजते हो तो बेटा टैक्सेस भी तो वापस होते हैं, रिवर्स होते हैं, जिसको हम रिवर्सल ऑफ ITC बोलते थे, याद है ना बेटा बात, ठीक है ना। जब मैं गुड्स खरीद कर आता हूँ तो मैं टैक्सेस दे कर आता हूँ बेटा, जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो सरकार टैक्सेस भी तो रिवर्स कराएगी ना मुझसे, तो बेटा इनपुट रिवर्स होंगे। याद करो बेटा ये सब बातें आप जर्नल एंट्री में कर चुके हो, परचेज रिटर्न कोई आपके लिए नई बात नहीं है बेटा, बहुत बार रिकॉर्डिंग की है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। फॉर्मेट समझ में आया, ठीक है। डेबिट नोट अभी आपके लिए थोड़ा सा उधार है, 5 मिनट बाद समझाता हूँ। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होगा, सॉरी सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट दिखने में कैसा होगा, डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर नहीं, यहां पर नाम आएगा क्रेडिट नोट नंबर। अभी दिखाऊंगा बेटा दिखने में कैसा होता है और पढ़ के भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। क्रेडिट नोट नंबर, देन बेटा लेजर फोलियो, डिटेल सेम, परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न, बेटा इनपुट्स ओके लिखा है, आउटपुट बेटा क्या होगा। देखो जब आप सामान बेचते हो आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है कि बेटा आपको सरकार को टैक्सेस देने हैं, लेकिन अगर कोई सेल रिटर्न होती है बेटा तो उसके बदले में हम टैक्सेस को कम भी तो कर देते हैं बेटा, अपने आउटपुट को ही तो कम करते हैं। यानी कि बेटा मैं यहां पर भी रिकॉर्ड करने वाला हूं आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, देन बेटा आउटपुट IGST और बेटा फिर टोटल से ओके बात। अब डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर पे एक चर्चा हो जाए, लो सुनना बेटा, इसे क्यों डेबिट नोट नंबर बोला गया या क्रेडिट नोट नंबर बोला गया, इसके पीछे एक लॉजिक है, ऐसे नहीं बोला गया इसको। लो प्यारे बच्चों देखो, परचेज रिटर्न हमेशा होती है डेबिट नोट नंबर से, डेबिट नोट नंबर से होती है परचेज रिटर्न, और बेटा क्रेडिट नोट से होती है बेटा सेल्स रिटर्न, मैंने यही बोला ना। अब सुनना बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, ये ऐसे ही होगी और ये याद हो जाएगा आपको। जब हम परचेज करते हैं, मान लो मैंने मोहन से गुड्स परचेज करा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट, फटाफट बोलो यार ये तो बोल सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट तो, और अगर मैं बेटा इसको परचेज रिटर्न कर दूं तो मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट वो पोस्ट ऑफिस टू परचेज रिटर्न अकाउंट ओके बात, यही करूंगा ना जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनना बेटा क्यों परचेज रिटर्न डेबिट नोट नंबर से की जाती है। बेटा हम बोलते हैं मोहन हम तेरे अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। देख लो बेटा परचेज रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूं, मोहन के अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं बेटा,
डेबिट नोट नंबर भेजते हैं, कहते हैं मोहन हम तेरे अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर हम मोहन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसको कर रहे होंगे? परचेज रिटर्न को कर रहे होंगे। ऐसे ही बेटा बोला जाता है, क्रेडिट नोट नंबर से सेल रिटर्न की जाती है। अगर मैंने मोहन को सामान बेचा होता तो मैं क्या एंट्री करता? मोहन डेबिट टू सेल्स। और अगर मैं सेल्स रिटर्न करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। हम बोलते हैं मोहन हम तेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अगर मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट किसको कर रहे होंगे? सेल्स रिटर्न को ही तो कर रहे होंगे। देखो मैं आपको पढ़वा देता हूं, आराम से बेटा बुक निकालना, पेज नंबर निकालो 12.15। क्रेडिट नोट दिया बेटा, रीड करते हैं एक बार, दिखने में कैसा होता है। बेटा इधर देखना, मेरी तरफ देखना। मैंने किसी को सामान बेचा था, आज बेटा सेल रिटर्न आ गई बिजनेस में। जब गुड्स मेरे को रिसीव हुए मैंने क्रेडिट नोट काट के भेज दिया उसके पास, कुरियर कर दिया। बेटा पढ़ता हूँ देखने में कैसा होता है। जब मैंने क्रेडिट नोट काट के दिया, ऊपर क्रेडिट नोट नंबर 525 चांदनी चौक दिल्ली, अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, टू न्यू फर्नीचर हाउस। जिसका सामान वापस आया बेटा उसका नाम है न्यू फर्नीचर हाउस, 802 पटेल नगर न्यू दिल्ली। अब पढ़ना बेटा क्या लिखा है, वी आर crediting your account, we are crediting your account। सर सुन लो, देखो क्या कह रहा है। बेटा मैं मोहन को क्रेडिट नोट भेज रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, we are crediting your account, हम आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट कर रहे हैं बेटा तो डेबिट किसको कर रहे होंगे? सेल रिटर्न। हमेशा क्रेडिट नोट में पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, हमेशा डेबिट नोट में पार्टी का अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगर पार्टी का अकाउंट डेबिट है तो बेटा क्रेडिट क्या हो रही होगी? परचेज रिटर्न। अगर पार्टी का अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट क्या हो रहा होगा बेटा? सेल्स रिटर्न। याद रहेगी बात, पेपर में पूछा जाता है और बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि डेबिट नोट नंबर से परचेज रिटर्न होती है सेल रिटर्न होती है। बेटा डेबिट नोट पार्टी का अकाउंट डेबिट कर दो, क्रेडिट नोट पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दो, बाकी हो जाएगा रिकॉर्ड। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न्ड बाय यू। हम आपका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे उस गुड से जो आपने हमें वापस भेजा है। क्लियर है ना जी बात? ऐसा होता है बस दिखने में, क्रेडिट नोट देख लो, और डेबिट नोट भी दिखने में ऐसा ही होता है। जब हम किसी के गुड्स वापस भेजते हैं आज के जमाने में तो मेल करते हैं बेटा, पहले चिट्ठियां भेजा करते थे ऐसे नोट बना बना के, कुरियर किया करते थे चिट्ठियां। ओके बात बाबू, आपने ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा, क्वेश्चन भी नहीं दे रहा कुछ खास होमवर्क। इलस्ट्रेशन 4 कर लेना, 5, 6, 7 चार इलस्ट्रेशन कर लेना, सेल बुक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की। दिया बोल रही है ज्यादा नहीं दे रहे अभी, ऐसे बोल रही है, इसे पता नहीं ज्यादा क्या होता है। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 भी दे सकता हूँ, थैंक यू बोलना चाहिए तुझे मेरा। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7 कर लेना, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। और कल ये चैप्टर फिनिश करते हैं बाबू, फिर परसों टेस्ट दे दो एक अच्छा खासा सा हेल्दी सा टेस्ट, बस फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। BRS एक पेंडिंग है चैप्टर हाफ ईयरली का, पहले एक चैप्टर रिवाइज, फिर BRS, फिर एक चैप्टर रिवाइज, फिर थ्योरी, ऐसे चलेंगे ठीक है जी। पहले रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन ही करेंगे, देख लो हम कितनी जल्दी बेटा बाहर निकल चुके हैं सिलेबस से, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स बहुत अच्छे से करनी है इस बार, और अच्छे से करनी है, 100/100 चाहिए। चलो जी आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।